देखिए, मैंने बहुत सारे जो अपने बालकनी में मेरे प्लांट्स थे उनको टेरेस पे रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ मैं सिर्फ विंटर्स में फ्लावर्स लगाना चाहती हूँ, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये धीरे धीरे रखने शुरू कर दिया, अपने बालकनी खाली करनी शुरू कर दी है। और वहाँ पे सब मेरे टोटली कुछ मैंने सीड्स ग्रो कर दिए हैं विंटर्स फ्लावर्स के, तो कुछ उग गए हैं, कुछ ख़राब भी हो गए हैं, क्योंकि बहुत हमारे वहाँ गर्मी है, बारिश बिल्कुल नहीं है और ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन धूप बहुत तेज है और टेम्परेचर है 35-36। तो इससे जो सीड्स हैं तो उनको उगने में बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ सीड्स उग भी गए, मैं देख रही थी अभी, तो कुछ वैसी की वैसी हैं। तो ये देखिए, मैंने सब अपने बालकनी गार्डन से थोड़े थोड़े करके शिफ्टिंग करने लगे कर दिया है टेरेस में, कि जो मुझे लग रहे हैं कि ये टेरे बालकनी में मेरे ना लग कर टेरेस में अच्छे से लगेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो कई देखिए, मैंने पॉट्स भी रेडी कर लिए हैं खाली करके। ये देखिए, जो रिफाइंड का डिब्बा होता है, जिस तरह से मैं कहती हूँ वेस्ट इज़ बेस्ट, उसको भी मैंने रेडी कर दिया। और उसमें सॉइल और सब खाद वगैरह डाल के, ये देखिए पेंट वगैरह सब हो गया है, तो उसको भी मैंने रेडी करके रखा है अपने विंटर्स फ्लावर्स के लिए। जैसे पुटूनियाज, और विंटर्स में तो बहुत बहार होती है फूलों की, तो वो सब मैंने फ्लावर्स अपने रेडी करके रख दिए हैं, सॉरी पॉट्स, कि जैसे ही मतलब प्लांट्स आएंगे तो हम लगा देंगे। तो इस तरह से कुछ मैंने विंटर्स वेजिटेबल्स ग्रो करी थी। तो थोड़ी बहुत थोड़ी सी सरसों, मूली, देखिए ये वाली, इसमें देखिए उग गई है, वो देखिए आगे, ये देखिए छोटे छोटे, तो ये उगनी शुरू हो गई। कुछ पीले भी पड़ रहे हैं पत्ते, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने की वजह से कुछ रिज़ल्ट मुझे उतना खास नहीं मिल रहा है। तो अभी 15 सितंबर के बाद देखते हैं कैसे मौसम होता है, तो अपनी विंटर वेजिटेबल्स में ग्रो करूँगी। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, हैंगिंग बास्केट्स भी मैंने कुछ जो मेरी बालकनी में थी वो भी मैंने छत पे लाके सेट कर दी हैं, क्योंकि अब मैं बालकनी में नए फ्लावर्स लगाऊंगी और थोड़ी सी नई बास्केट्स लाऊंगी। तो ये मैंने सब धीरे धीरे अपने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से मेरी सेटिंग चेंज होती रहती है। और ये मेरे बालकनी गार्डन में थी, इनको भी लाके मैंने टेरेस में रख दिया है। ये देखिए, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट बहुत सनलाइट पड़ी, तो देखिए कुछ येलो सापो कलर दिख रहा होगा, और इनका ग्रीन जो मेरे छत पे पहले से ही थे टेरेस में, तो इस तरह से कोई डिफरेंस हुआ। तो वहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है, और विंटर्स आने की, विंटर्स अब आएगी तो उस तरह से सन की जो धूप होती है उसकी दिशा भी बदल जाती है, तो कुछ ज़्यादा आने लगती है। ये देखिए इस तरह से, तो येलो पड़ गए हैं और ये फुली ग्रीन है। तो इसको भी मैंने आज कल शाम को इनको भी मैंने छत पे अपने रख दिया। देखिए मैंने सीड्स जो ग्रो कर दी है, देखिए कुछ कुछ तो हो रहे हैं, ये वर्वीना वगैरह की, ये देखिए लीव से मालूम चल रहा है। और ये येलो वाइट वाले फ्लावर्स आते हैं उसके हैं, वर्वीना के तो बहुत सारे उग गए, लेकिन कुछ अभी सीड्स और मैंने जो फ्लावर्स लगाए थे उनके नहीं उगे हैं, उग जाएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी होने की वजह से ये सब हो रहा है। और ये देखिए, ये सब सीड्स भी उग गए हैं, और कीड़े भी आ गए हैं, बारिश बहुत हुई थी पहले, तो वो देखिए ये कुछ सब खा खू के किस तरह से। ये देखिए जो कटिंग उसका, देखिए ये देखिए लीव्स वगैरह कितनी आसानी से उग जाता है एक कट्टे में। तो इस तरह से देखिए कुछ मेरे टेरेस का अभी हो रहा है हाल, और कुछ बालकनी के जो प्लांट्स हैं सब मैं अपने टेरेस में ले आई हूँ। तो आज आपको मैं यही बता रही थी कि मैं बालकनी के ज़्यादातर पौधे अपने टेरेस में ले आई हूँ, बालकनी में फ्लावर्स लगेंगे सिर्फ। तो आज का टॉपिक मेरा था कि जो बालकनी मैंने खाली कर दी है उसको भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो यही दिखा रही थी कि किस तरह से टेरेस में मैंने सेट कर दिए वो प्लांट्स, और डायरेक्ट बहुत तेज़ धूप होने की वजह से बहुत पौधे पीले पीले भी पड़ गए हैं, और लीव्स भी येलो। को विंटर्स का एक नया लुक देने का टाइम आ गया है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, जिस तरह से मैंने टेरेस का से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के संग, एक नई जानकारी के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।